हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छा होंगे। तो आप लोग भी ऐसे कई बंदे होंगे कि 500 सब्सक्राइब या 1000 सब्सक्राइब, 3000 घंटे कंप्लीट करने के बाद जो चैनल मोनेटाइज किए हैं, उसके बाद जब आपका 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं तो क्या क्या सेटिंग आता है, क्या क्या अनेबल करना पड़ता है, और डॉलर का आइकन वीडियो में कैसे लाना है, यानी वीडियो में ऐड कैसे चलाना है, आज यही चीज मैं आपको फुल बताने वाला हूँ। तो चलो मैं चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको YT स्टूडियो खोल के दिखा देता हूँ। मेरा अभी डॉलर का आइकन नहीं आ रहा है, तो आपको कैसे लाना है जब 4000 घंटे पूरे हों, तो उसके बाद ये अनेबल कर पाते हैं यानी कर सकेंगे आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ से भी कर सकते हैं, आप गेट स्टार्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं YT स्टूडियो से। तो हमको यहाँ से नहीं करना है, हमको जाना है क्रोम ब्राउजर से, क्योंकि हमको भी रिक्स नहीं लेना, सब कोई यहीं से करता है। यहाँ आपको लिखना है youtube.studio.com और आपको फर्स्ट पे ही क्लिक करना है लॉगिन पे। उसके बाद आपको रीडायरेक्ट करके डेस्कटॉप साइड में आपको ले जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड अर्नर पे क्लिक करना है डॉलर वाले आइकन पे। उसके बाद यहाँ भी वही सिस्टम आ जाएगा गेट स्टार्टेड पे, जो आपको YT स्टूडियो में दिख रहा होगा। यहाँ भी आपको क्लिक करना है, गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर से गेट स्टार्ट पे आएगा वॉच पेज ऐड, और यहाँ भी आपको भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको टर्न ऑन पे क्लिक करना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, थोड़ा पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्लिक कर लेना है और एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कौन कौन सा ऐड चलेगा आपको यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ भी आपको ऐड क्लिक कर लेना है और आपको नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ बता रहा है आपको कि पूरा वीडियो में मोनेटाइज करना चाहते हैं या एक एक करके। तो मेरे को पूरा मोनेटाइज करना है, फुल वीडियो, और आपको मोनेटाइज ऑल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ भी गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अभी आपको मैं YT स्टूडियो में लेके जा रहा हूँ कि डॉलर का आइकन आया कि नहीं आया है, यह चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि डॉलर का आइकन आ गया है, और यहाँ भी आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ भी रिफ्रेश करने के बाद देखो, आपको ग्रीन कलर का डॉलर का सब वीडियो में आइकन आ गया है, यानी मेरा लॉन्ग वीडियो में चालू हो गया। अभी शॉर्ट वीडियो को मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी आपको डॉलर का आइकन कैसे लगाना है, यानी शॉर्ट वीडियो का भी मोनेटाइज कैसे करना है। तो यहाँ भी आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है, अर्न पे क्लिक करने के बाद, फिर टर्न ऑन करने के बाद, फिर टर्न ऑन कंडीशन आएगा, फिर यहाँ भी आपको क्लिक कर लेना है। नीचे आपको एक्सेप्ट द शॉर्ट फीड टर्म्स आया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको इधर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप शॉर्ट वीडियो भी अभी हो गया मेरा, जो मैं YT स्टूडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो में भी देखो अभी डॉलर का आइकन आया है कि नहीं आया है। अब देख सकते हैं कि शॉर्ट वीडियो में भी डॉलर का आइकन आ गया है, यानी शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों मेरा मोनेटाइज हो गया फुल। तो ये कब होता है? जब 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे पूरे होने के बाद होता है। तो आपको वीडियो कैसे लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।